तो मसल बिल्डिंग या मसल हाइपरट्रॉफी एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी पड़ेगी। देखो आप कितना वेट लगाते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितने सेट्स लगाते हैं, ये जब तक मैटर नहीं करेगा तब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ लेंगे कि मसल फेलियर ट्रेनिंग क्या है। जैसे ये सीटी चेस्ट प्रेस है, इसमें हमने 13 रैप लगाए, मैं आपको लास्ट के 4 रैप दिखा रहा हूँ। ये 9वें रैप के बाद, ये 10th रैप है, ये 11th है, ये 12th रैप और ये 13th रैप। अब इसके बाद मैं कोशिश करता तो शायद और रैप ना लगता। तो ये जो आखिरी रैप है ना, ये आपको सभी एक्सरसाइज में, सभी सेट्स में इसको आपको अचीव करना ही है। जैसे डंबल प्रेस आप देख लें, लास्ट के 3 रैप मैंने दिखाए, 8-9 रैप लगाने के बाद ये लास्ट के 3 रैप हैं, रैप 1, ये रैप 2 और आप देख भी रहे हैं रैप 3। अब ये अबाउट टू फेलियर है, इसके बाद शायद मैं कोशिश करता तो और ना आता। तो इस तरह के रैप पे आपको जाना ही पड़ेगा अगर आप मसल हाइपरट्रॉफी चाहते हैं। तो देखो हमेशा आपका, मैं बार बार बोलता हूँ, आपका माइंड पहले गिव अप करता है, दिमाग में आपको स्ट्राइक करेंगे कि और नहीं आएंगे, जबकि इस स्टेज में जब आपको लगता है और नहीं आएंगे, मसल में स्ट्रेंथ होती है और आप 2-3 रैप और निकाल सकते हैं। ऐसे रैप के लिए जरूरी है कि एक आप स्पोर्टर रखें, कभी फेल भी कर जाए तो आपको हेल्प कर देगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखना, अगर आप अपने आप को पुश करेंगे तो 2-3 रैप इससे आगे जाके आप लगा सकते हैं, जब आपको लगता है ना कि और नहीं आएंगे, वहां से 2-3 आपका मार्जिन होता है। अब जो एथलीट उस मार्जिन को समझ लेगा वो तो जल्दी चैंपियन बन जाएगा, और जो हमेशा अपने सेट्स को माइंड के फेलियर पे छोड़ देता है, मसल को फेल नहीं करता, लास्ट के 2-3 रैप जो जरूरी थे वो नहीं निकालता, वो लैग कर जाता है। यही डिफरेंस है एक चैंपियन की ट्रेनिंग में और एक नॉन चैंपियन की ट्रेनिंग में। मुझे उम्मीद है आप दोनों एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। थैंक यू।